अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमारा आज का जो मैसेज है वो है अमीर की नाफरमानी नहीं करनी। अमीर किसे कहते हैं? सरबरा को। तो अमीर की नाफरमानी करने से इस्लाम ने हमें मना फरमाया है। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश का जो लेसन पढ़ेंगे उसका पेज नंबर है 16, यूनिट नंबर है 5 और टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव्स। चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। ए डी ए जे ई सी जेक्टिव्स, टी आई वी ई एस टिव्स, एडजेक्टिव्स। क्या वर्ड है ये? एडजेक्टिव्स, ए डी ए जे ई सी जेक टी आई वी ई एस टिव्स, एडजेक्टिव्स। क्या वर्ड है ये? एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? इसमें सिफ्त को, किसी चीज़ की खूबी या खामी को एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी चीज़ की खूबी या खामी बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। या किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को भी एडजेक्टिव्स कहते हैं। किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को भी एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। चलिए हम मिसालों से भी समझते हैं। देखें, आपके पास इंग्लिश में इसकी मिसालें मौजूद हैं। सबसे पहले हम उर्दू की मिसालें लेते हैं, जैसे है चाय गरम है। चाय गरम है, इसमें क्या एडजेक्टिव है? गरम, कि चाय क्या है? गरम है, ये उसकी क्या है? एडजेक्टिव। इसी तरह मुनीर की लिखाई खूबसूरत नहीं है। आमना की लिखाई खूबसूरत नहीं है, तो इसकी क्या है? एडजेक्टिव। यानी किसी भी चीज़ की खूबी या खामी बयान करना ना, तो इसमें उसकी क्या खामी बयान की गई है? आमना की, आमना की लिखाई खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत नहीं है, लिखाई जो है उसकी खूबसूरत नहीं है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। चलिए इधर से इसकी एग्जाम्पल्स की रीडिंग करते हैं। आ बिग एलिफेंट, आ बी आई जी बिग, बिग मीन बड़ा, बिग मीन बड़ा। ई एल ई एली पी एच ए एन टी फेंट एलिफेंट, आ बिग एलिफेंट, इसमें क्या एडजेक्टिव है? बिग, आ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी। तो इसमें क्या एडजेक्टिव बयान हुई है? कि जो हाथी है वो क्या है? बिग है। एलिफेंट क्या है? बिग। हाथी क्या है? बड़ा है, तो ये इसकी क्या है? एडजेक्टिव बयान हुई है। ये क्या बयान हुई है? एडजेक्टिव, आ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी, तो इसमें क्या एडजेक्टिव है? बिग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अ स्मॉल एलिफेंट, अ आमीन एक, एस एम ए डबल एल स्मॉल, स्मॉल मीन छोटा, स्मॉल मीन छोटा। एलिफेंट, ई एल ई एली पी एच ए एन टी फैंट एलिफेंट, एलिफेंट मीन हाथी। आ स्मॉल एलिफेंट, ए छोटा हाथी, इसमें क्या एडजेक्टिव बयान हुई है? कि जो एलिफेंट है वो क्या है? स्मॉल, स्मॉल, तो स्मॉल क्या है?
एडजेक्टिव्स, स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव्स, क्या है, एडजेक्टिव्स स्मॉल क्या है, इसमें सिफ्त, प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें सिफ्त किसे कहते हैं, किसी चीज की खूबी या खामी को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, यानी किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए आ बिग एलिफेंट में क्या एडजेक्टिव था, बिग, एलिफेंट क्या है, बिग, बिग हुआ एडजेक्टिव। आ स्मॉल एलिफेंट में जो स्मॉल वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव। इस तरह मैंने आपको बताया मुनीर की लिखाई खूबसूरत नहीं है, तो इसमें क्या इस एडजेक्टिव है कि उसकी लिखाई गंदी है, खूबसूरत नहीं है, वो अच्छा नहीं लिखता, तो ये क्या है, इसकी खामी बयान कर दी, ये भी एडजेक्टिव है। आज हम इसकी इतनी ही रीडिंग करेंगे प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया एडजेक्टिव की रीडिंग की, फिर मैंने आपको बताया इसको उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है, या किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बयान करना भी एडजेक्टिव कहलाता है। आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है। पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को सबक याद करवाया करें, उनसे सुना भी ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अलिफ को वर्टिकल शेप में लिखवाया करें। मुझे मेरे पेरेंट्स को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।